नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम एक बार फिर से। और दोस्तों, आज इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे और चेक करेंगे लियोर्क ब्रांड के दो डिजिटल टाइमर क्लॉक्स। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास दो डिजिटल टाइमर क्लॉक्स हैं। तो दोस्तों ये है फर्स्ट वाला, ये है किचन टाइमर क्लॉक, ऐसा कुछ इसका डिज़ाइन है। और इसमें आप काफ़ी ईजिली सेटिंग कर सकते हो और इसमें आपको मेमोरी फीचर मिल जाता है। यहाँ पर बैक साइड दे रखा है मेड इन चाइना। तो इसमें आपको क्लॉक में 12 आवर्स और 24 आवर्स की दोनों सेटिंग्स मिल जाती हैं। 2.7 इंचेस का लार्ज LCD डिस्प्ले मिल जाता है। और यहाँ पे ये है हमारा टाइमर क्लॉक। और इसके साथ आपको मिलेंगी दो चीज़ें, आपको मिलेंगे दोस्तों AAA सेल, ये दो इसमें लगाने के लिए, और एक यूज़र मैनुअल मिलेंगी। इंग्लिश में है ये, चाहो तो इसे आप पढ़ सकते हो। और यहाँ पे दोस्तों ये है हमारा टाइमर क्लॉक। फर्स्ट इंप्रेशंस की बात करूँ तो यार, इसकी बिल्ड क्वालिटी और फिनिशिंग तो काफ़ी इंप्रेसिव है, अच्छी क्वालिटी का मटेरियल है। और इसमें आपको ये स्टैंड भी मिल जाता है एडजस्टेबल, आप इसमें वॉल्यूम कर सकते हो अलार्म की। बैक साइड इसमें आपको मैग्नेट्स मिल जाते हैं और यहाँ पे काफ़ी सारे बटन्स हैं और बड़ा डिस्प्ले भी है। तो इसको रखते हैं थोड़ा साइड में और ये देखते हैं दूसरे वाले को। तो ये है नॉब टाइमर, ये क्लॉक नहीं है, टाइमर है। तो इसमें खास बात ये है कि ये एल्युमिनियम फ्रेम से बना हुआ ये मेटल बॉडी है और इसमें आपको LED डिस्प्ले मिल जाता है और इसमें एनर्जी सेविंग मोड भी मिल जाता है। और इसमें आपको काफ़ी ईजी ट्विस्ट मोड वाला ऑपरेशन मिलता है, ज़्यादा बटन्स इसमें नहीं दिए हैं। और यहाँ पे आपको ये चीज़ें मिलती है, AAA सेल मिलेंगे दो इसमें लगाने के लिए, और एक यूज़र मैनुअल मिलेगी आपको दोस्तों, इंग्लिश में है, आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो। तो ये है दोस्तों हमारा नॉब टाइमर। तो ये फिल्म निकाल देते हैं अभी, ये देखिए। तो यार इसकी बिल्ड क्वालिटी और फिनिशिंग तो काफ़ी इंप्रेसिव है, ये मेटल एल्युमिनियम फ्रेम है, प्लास्टिक फ्रेम नहीं है। पीछे यहाँ पे आपको बटन्स मिल जाते हैं और यहाँ पे बैटरी कंपार्टमेंट है और मैग्नेट्स भी मिल जाते हैं माउंट करने के लिए। तो अभी चलिए देखते हैं एक एक करके दोनों को। तो ये है दोस्तों किचन टाइमर, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे बटन्स मिल जाते हैं। तो यहाँ से आप काफ़ी इजीली सेटिंग कर सकते हो, 1 आवर, 5 मिनट्स, 1 मिनट, 1 सेकेंड, कस्टम, रीसेट, ST, SP, ये बटन्स हैं यहाँ पे। और आप डिस्प्ले देख सकते हो काफ़ी बड़ा इसमें मिलता है आपको डिस्प्ले, 2.7 इंचेस का LCD डिस्प्ले। यहाँ पे आप दोस्तों वॉल्यूम कर सकते हो, एडजस्ट अलार्म की, सॉफ्ट, मीडियम या म्यूट भी कर सकते हो। बैक साइड आपको यहाँ पे मैग्नेट्स मिल जाते हैं इसे माउंट करने के लिए, ये देखिए रबराइज मैग्नेट मिलता है आपको, स्क्रैच भी नहीं पड़ेंगे सरफेस में और काफ़ी अच्छे से ग्रिप मिलती है। और यहाँ पे आप इसे हैंग कर सकते हो ऊपर से भी, स्टैंड भी इसमें आपको मिल जाता है ये देखिए बैक साइड में। आप चाहो तो इसे डेस्क पे भी ऐसे स्टैंड कर सकते हो या मैग्नेट्स में भी आप इसे माउंट कर सकते हो। तो चलिए इसमें सेल डाल लेते हैं, ये है इसका बैटरी कंपार्टमेंट। तो आपने 2 AA सेल इसमें डाल देने हैं जो कि आपको साथ में ही मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा टाइमर क्लॉक देखिए ऑन हो चुका है और डिस्प्ले आप देख सकते हो काफ़ी बड़े बड़े फॉन्ट्स आ रहे हैं, काफ़ी इजीली विजिबल है और देख सकते हो आप काफ़ी क्लैरिटी है इसके डिस्प्ले में। ये फिल्म निकाल देता हूँ मैं जो कि यहाँ पे अभी लगी हुई है। तो यहाँ पे दोस्तों आप ये जो बटन है ST SP वाला, इसको अगर आप लॉन्ग होल्ड करोगे तो आप इसे पावर ऑन ऑफ कर सकते हो, स्विच ऑफ या पावर ऑन कर सकते हो। तो यहाँ पे ये क्लॉक मोड पे है, टाइम देख सकते हो आप, अभी ये टाइम सेट नहीं है वैसे। तो ये 1H वाले बटन को अगर आप सिंगल प्रेस करोगे तो यहाँ पे आप 24 आवर्स या 12 आवर्स की सेटिंग कर सकते हो, 24 घंटे या 12 घंटे वाली सेटिंग, जैसे 5:50 हो रहे हैं या 17:50, एक ही बात है। और अगर आप इसे लॉन्ग होल्ड करोगे तो यहाँ पे आप इसकी सेटिंग कर सकते हो, टाइम की सेटिंग, जैसे यहाँ पे फर्स्ट वाले बटन से आप आवर्स चेंज कर सकते हो 1H से, या आप मिनट्स चेंज कर सकते हो आगे वाले बटन से, 1 मिनट वगैरह से भी आप मिनट्स चेंज कर सकते हो, सेकेंड्स यहाँ से आप सेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप ऐसे टाइम सेट कर सकते हो। और ये ST SP वाले बटन को अगर आप प्रेस करोगे तो यहाँ से देखिए अभी टाइम सेट हो चुका है और ये क्लॉक वाले मोड पे है, टाइम वाले मोड पे। और यहाँ पे आप सिंगल प्रेस करके 12 आवर्स या 24 आवर्स में इसको सेट कर सकते हो। लॉन्ग प्रेस करोगे आप इस रेड वाले बटन को तो यहाँ पे आप दोस्तों टाइमर में जा सकते हो, तो यहाँ से आप अपना टाइमर यूज़ कर सकते हो, टाइमर सेट कर सकते हो, आवर्स, मिनट्स, सेकेंड्स वगैरह जो भी आपने सेट करने हैं, ठीक है। तो फिर आप ये जो रेड वाला बटन है ST वाला या SP वाला, इसको अगर आप सिंगल प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपका टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, देखिए। तो ये काउंटडाउन डाउन हो रहा है, ठीक है, टाइम कम होता जाएगा। और अगर आप इसे दोबारा प्रेस करोगे तो यहाँ पे टाइमर स्टॉप हो जाएगा और रीसेट से आप इसे 0-0 कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों आप देखिए टाइमर सेट कर सकते हो और इसको आप सेव भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे कस्टम वाले बटन को अगर आप होल्ड करोगे तो डबल बीप आएगी और इसमें टाइमर सेव हो जाएगा। जैसे 10 मिनट का टाइमर हमने इसमें सेव कर दिया है, तो अभी हमने टाइमर स्टार्ट कर दिया है देखिए आप रेड वाले बटन से, तो इसको अगर हम स्टॉप करें, ये देखिए सिंगल प्रेस में स्टॉप हो गया है, रीसेट से 0-0 हो गया है। और अगर मैं दोबारा कस्टम बटन दबाऊं
तो ये देखिए यहाँ पे टाइमर दोबारा से स्टार्ट हो गया 10 मिनट्स का, जो कि हमने सेव किया था। तो इसमें आप टाइमर सेव भी कर सकते हो और चाहो तो आप इसमें क्लॉक जैसा भी यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों रीसेट बटन से आप इसको 00 पे सेट कर सकते हो और STSP वाले बटन से आप काउंटडाउन स्टार्ट कर सकते हो। देख सकते हो आप, देखिए अभी काउंटडाउन स्टार्ट हो रहा है तो ये ऊपर की तरफ टाइम जा रहा है। तो यहाँ पे आप कस्टम बटन को होल्ड करके आप टाइमर सेव भी कर सकते हो और रेड वाले बटन को आप होल्ड करके इसका मोड चेंज कर सकते हो, टाइमर मोड यूज़ करना है या आपने क्लॉक मोड यूज़ करना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको मैं इसका टाइमर जो अलार्म है वो चेक कराता हूँ। तो यहाँ पे हम 5 सेकंड्स का एक अलार्म सेट करते हैं और आपको मैं इसके अलार्म की वॉल्यूम बताता हूँ कि यहाँ पे कितनी वॉल्यूम इसमें आती है, चेक करते हैं अभी। तो आप इसे मैक्सिमम या सॉफ्ट पे कर सकते हो या म्यूट भी कर सकते हो। तो अभी हमने इसे मैक्सिमम वॉल्यूम पे रखा है, तो ये देखिए अभी आप सुन सकते हो इसकी अलार्म की वॉल्यूम कितनी है। तो ये जो लाउडनेस है ये मैक्सिमम है। आप इसे मीडियम भी कर सकते हो, सॉफ्ट मोड यूज़ कर सकते हो तो ये मीडियम वॉल्यूम पे बजेगा। आप चाहो तो इसे सबसे नीचे करके म्यूट भी कर सकते हो। तो ये है दोस्तों इसके अलार्म की वॉल्यूम जो कि आप सेट कर सकते हो, ये देख सकते हो आप। और रेड वाला जो दोस्तों बटन है STSP, इसको आप अगर प्रेस करोगे तो यहाँ पे आप इसके टाइमर को स्टॉप कर सकते हो। तो ये हो गया दोस्तों फर्स्ट वाला किचन टाइमर। तो अभी हम चेक करेंगे नॉब टाइमर। तो ये क्लॉक नहीं है, टाइमर है, मैं आपको पहले ही बता दूँ। तो इसकी बिल्ड क्वालिटी और फिनिशिंग से मैं काफ़ी इंप्रेस्ड हूँ। ये मेटल बॉडी के साथ आता है, एल्युमिनियम फ्रेम है और बैक साइड अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे बैटरी कंपार्टमेंट है। तो यहाँ पे आपने 3 AAA सेल डालने हैं जो कि आपको साथ में ही मिलेंगे, जो कि अभी हम डाल देते हैं। और इसमें भी दोस्तों आपको बैक साइड मैग्नेट्स मिलते हैं, आप इसे माउंट कर सकते हो। ये देखिए अभी हमने सेल इसमें लगा दिए हैं। यहाँ पे दोस्तों देखिए हमारा टाइमर जो है ये ऑन हो चुका है और डिस्प्ले इसमें आपको LED डिस्प्ले मिलता है, ये देखिए। और इसमें आपको ट्विस्ट ऑपरेशन मिलता है, अगर आप इसे घुमाओगे तो आप टाइमर सेट कर सकते हो। देखिए मिनट्स एंड सेकंड्स आप सेट कर सकते हो इसको घुमाने से, बहुत इजी है ये। देख सकते हो आप इसका डिस्प्ले भी काफ़ी विजिबल है। बैक साइड से दोस्तों आप इसकी ब्राइटनेस को सेविंग मोड पे कर सकते हो या हाई ब्राइटनेस पे भी कर सकते हो इस बटन से। एंड यहाँ पे देखें दोस्तों तो ये अभी सेविंग मोड पे है, थोड़ा अगर आप इसे यूज़ करोगे तो ब्राइट होगा एंड थोड़ी देर बाद ये इसकी ब्राइटनेस कम हो जाती है। देखिए तो ये पावर सेविंग मोड जैसा दे रखा है, इसमें ऊपर करोगे आप तो ये प्रॉपर ब्राइटनेस मोड पे रहेगा। देख सकते हो आप ये फुल ब्राइट पे रहेगा। तो लो ब्राइटनेस पे, लो लाइट पे आप काफ़ी अच्छे से इसे इजीली विजिबल कर सकते हो, बहुत अच्छे से देख सकते हो। ये देखिए अभी इसको हम पावर सेविंग मोड पे कर देते हैं। और यहाँ से दोस्तों आप अलार्म की वॉल्यूम को सेट कर सकते हो, म्यूट कर सकते हो, सॉफ्ट मोड पे रख सकते हो या हाई मोड पे भी आप अलार्म रख सकते हो। ये देखिए तो अभी हम इसे मैक्सिमम कर देते हैं। तो अगर आप राइट साइड करोगे तो यहाँ पे आप दोस्तों टाइमर में सेकंड्स और मिनट्स को इंक्रीज़ कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। और अगर आप इसे लेफ्ट साइड ट्विस्ट करोगे तो यहाँ से आप इसका टाइम कम कर सकते हो, मिनट्स और सेकंड्स जो भी हैं। देखिए आप काफ़ी इजीली आप इसे ऑपरेट कर सकते हो, यहाँ पे फालतू के बटन नहीं दिए गए हैं। देखिए अभी हमने टाइम सेट करा, यहाँ पे एक सिंगल बटन मिलता है आपको, इसको प्रेस करोगे आप तो यहाँ पे आपका टाइमर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ये देखिए। और दोस्तों इसमें आपको 5 सेकंड्स का टाइमर मिलता है, यानी कि 1-2 सेकंड करके आप इसमें टाइमर सेट नहीं कर सकते हो, आपको 5 सेकंड्स की टाइमिंग मिलती है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा अगर आप इसे ट्विस्ट करोगे तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए 5 सेकंड्स आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप और ट्विस्ट करोगे तो ये 10 सेकंड्स हो गया है, 15 सेकंड्स हो गया है, 20 सेकंड्स हो गया है। तो आप देख सकते हो ये एक एक करके सेकंड नहीं बढ़ रहे हैं, 5 सेकंड्स करके इसमें बढ़ते हैं। तो मिनिमम 5 सेकंड्स की आपको टाइमर सेट करना पड़ेगा और इस बटन को सिंगल प्रेस करके आप टाइमर स्टार्ट कर सकते हो, ये देखिए। और ये देखिए आप सुन सकते हो इसके अलार्म को। तो जो बीच वाला बटन है उसको अगर आप होल्ड करोगे तो आपका अलार्म जो है वो सेट हो जाएगा और आप अलार्म की वॉल्यूम सुन सकते हो, मैक्सिमम पे या मीडियम पे आप इसे रख सकते हो। और यहाँ पे आप इस सिंगल बटन को टच करके, बटन को प्रेस करके इसका टाइमर स्टॉप कर सकते हो। और ये लो लाइट में, डार्क में काफ़ी अच्छे से विजिबल रहता है, देख सकते हो आप। अभी 0 से अगर आपने स्टार्ट करना है तो आप सिंगल प्रेस करोगे इस बटन को तो यहाँ पे आपका टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो पावर सेविंग मोड है ये इसकी लाइफ को काफ़ी बढ़ा देता है, जल्दी आपकी बैटरीज भी ख़त्म नहीं होंगी इस टाइमर की और काफ़ी टाइम तक चलेगी। और इसमें LED डिस्प्ले आपको मिल जाता है और इसमें भी दोस्तों आपको बैक साइड मैग्नेट्स मिल जाते हैं। तो दोस्तों आप बहुत इजीली इन्हें मेटालिक सरफेस पे माउंट कर सकते हो, नॉब टाइमर को भी और ये डिजिटल टाइमर क्लॉक को भी। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के ये टाइमर क्लॉक्स हैं, डिजिटल टाइमर क्लॉक, किचन टाइमर की बात कर लीजिए या नॉब टाइमर की बात कर लीजिए। इनकी बिल्ड क्वालिटी और फिनिशिंग से तो मैं काफ़ी इंप्रेस्ड हूँ और इनमें काफ़ी सारे आपको फीचर्स मिल जाते हैं। स्पेशली ये जो नॉब वाला फीचर है ना, ये जो घुमाने वाला इसका ऑपरेशन है, ये मुझे काफ़ी पसंद आया है। और ये LED डिस्प्ले के साथ आता है तो लो लाइट में काफ़ी अच्छे से विजिबल है। तो आप डेफिनेटली ये लियोग ब्रांड के डिजिटल टाइमर क्लॉक्स परचेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है।
तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नवी चीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।